हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में खास क्या क्या सीखने वाले हैं आइए आपको बताता हूं। यहां पर देख सकते हैं ये जो शाइन हमने बनाया है, इस तरह से आप कैसे बना सकते हैं, ये बहुत ईजी है बनाना। कैसे बनाएंगे आइए समझते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ, बहुत काफ़ी ज़्यादा जूम हो गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपको टिक मार्क चाहिए तो टिक मार्क यानी कि हरे में चाहिए, ग्रीन में चाहिए और बाकी रेड में चाहिए, तो आप कैसे कट मार्क और टिक मार्क बनाएंगे। तो कट मार्क और टिक मार्क बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है सिंपली P और यहाँ पे लिख देना है सिंपली Q। Q का मतलब क्विट यानी कट मार्क बनेगा और P का मतलब जो है टिक मार्क बन जाएगा। कैसे बन जाएगा वो अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पर पहले कुछ और P और Q लिख लेते हैं हम, लाइक यहाँ पर P लिख लिया, फिर यहाँ पर P लिख लिया, फिर यहाँ पर P लिख लिया, फिर यहाँ पर Q लिख दिया मैंने, ठीक है। अब आपको करना क्या है, बहुत आसान है, एक मिनट में आप कर लेंगे। ये देखिए, ये पूरे डेटा को कर लीजिए सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फॉन्ट पे आ जाइए। फॉन्ट पे आए, अब यहाँ पर आपको फॉन्ट यहाँ पे देखिए W यहाँ पे सर्च कीजिए, तो यहाँ पर आएगा वेबडिंग्स। तो ये वेबडिंग्स में वेबडिंग्स 2 आपको ले लेना है, और जैसे ही ले लेंगे तो ये देखिए कट मार्क और टिक मार्क बन गया। अब इसको ग्रीन में करना है, जैसे ये जो है ना टिक मार्क, इसको ग्रीन करना है क्योंकि टिक है, तो इसको ग्रीन कर दिया जाए। तो ग्रीन करने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए और हाईलाइट सेल रूल पे चले जाइए। जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पे मिलता है टेक्स्ट दैट कंटेन्स, तो इसी पर आपको चले जाना है। जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर ये देखेंगे कि ये रेड हो गया है, लेकिन यहाँ पर होना चाहिए ग्रीन। ग्रीन करने के लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ कस्टम फॉर्मेट पे जाना है, और कस्टम फॉर्मेट पे जाने के बाद इसको बोल्ड बना करके, और यहाँ पर ऑटोमेटिक दिया हुआ है तो बस यहाँ पर आप कर लीजिए ग्रीन सेलेक्ट, बस काम हो गया है, ओके कर दीजिए। देखिए ये ग्रीन में आ रहा है, ठीक है, और यहाँ से भी ओके कर दीजिए, ये ग्रीन में हो गया। अब इसकी बात कर लेते हैं, यहाँ पे कट मार्क है, तो कट मार्क के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में वापस से जाइए, और वापस से जाने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट दैट कंटेंट्स पे चले जाइए। अब यहाँ पे क्यू जो है बाय डिफॉल्ट रेड यहाँ पे आ रहा है, लेकिन ऐसा रेड हमें नहीं चाहिए, हम क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे फॉन्ट पे चले जाइए, और फॉन्ट पे जाने के बाद इसको बोल्ड बना लीजिए। और यहाँ से देखिए मैंने रेड सेलेक्ट कर लिया इसके लिए, तो आपको भी रेड सेलेक्ट करना है, यानी कि ये फॉन्ट जो है रेड में हो जाएगा, और बस यहाँ से ओके कर देना है। अब आप देखेंगे कि ये जो है रेड में आ रहा है, और ऊपर वाला ये जो टिक मार्क है वो ग्रीन में आ रहा है। आपकी समझ में आई होगी, जैसे इस तरह की चीजें अगर आपको बनानी हो तो आप इस वीडियो को सारे आसानी के साथ बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।